हेलो फ्रेंड्स, हम आज बनाएंगे किड्स केक गुलाब जामुन। ये रेडीमेड पैकेट है, लेकिन इसको बनाने का मेथड अगर सही तरीके से बनाया जाए तो ये बहुत टेस्टी बनते हैं। इसके लिए हमको लगेगा शुगर, शक्कर। यहाँ मैंने इस कप के अकॉर्डिंग 2.5 कप शक्कर लिया है, और मिल्क, दूध और घी फ्राई करने के लिए। और ये है किड्स का पैकेट। हम सबसे पहले शक्कर का पाक रेडी कर लेते हैं। तो उसके लिए ये हम किसी पैन में डालकर और इसमें इसी कप से 2.5 जितनी शक्कर है उतना ही पानी डालकर इसका हम पहले लिक्विड तैयार करेंगे, शक्कर का पाक। जब तक ये रेडी होता है तब तक हम यहाँ पे ये पाउडर को मिक्स करेंगे। ये किड्स का पाउडर है और इसे पानी से नहीं बनाना, इसे दूध से ही बनाना। थोड़ा थोड़ा दूध डालकर इसका आटा तैयार करेंगे। देखिए, ये आटा इतना सॉफ्ट होना चाहिए कि आप अच्छे से इसके छोटी छोटी गोलियां बना सको। और अगर ये ड्राई हो जाता है तो आप बाद में थोड़ा दूध ऐड कर सकते हैं। फिलहाल हमें जो गोलियां बनानी है उनका साइज इस तरह से हो, और ये आटा ड्राई होता है बीच में, इसके लिए इसमें थोड़ा थोड़ा मिल्क ऐड करते जाएं। और इस तरह हम सारी गोलियां तैयार करेंगे। ये सारी इस तरह की गोलियां तैयार हो गई हैं। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे, पर इसे घी में फ्राई करना है, तेल में नहीं। और इधर हमारा पाक भी रेडी हो चुका है। ये तार बहुत ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए, बहुत गाढ़ा नहीं होना चाहिए। आपको लगेगा कि हाँ ठीक है, इसका कलर भी चेंज हो चुका है और थोड़ा सा ऐसा चिपचिपा लग रहा है, तो आप इसे बंद कर दें। अब अगर आपको बहुत ज़्यादा चाशनी वाला बनाना हो, बहुत ऐसे मार्केट जैसा एकदम चिकट, बहुत ज़्यादा टूटे ना ऐसी चाशनी, तो उसके लिए एक अलग से किसी बर्तन में यहाँ पर मैंने 1.5 कप शक्कर लिया है और उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। ये हम लास्ट में यूज़ करेंगे एकदम आखिर में। तो ये हमारी चाशनी रेडी हो रही है, और ये हमारी वो चाशनी है जिसमें हम गुलाब जामुन तलने के बाद डाल देंगे। अभी फिलहाल हम इसकी गैस ऑफ करते हैं और इसको फ्राई करते हैं। यहाँ हम कढ़ाई में सबसे पहले घी गर्म करते हैं। ये बहुत गाढ़ी चाशनी रहेगी जो हम बाद में लास्ट में इसके ऊपर डालेंगे। तो ये रेडी हो गया, हम इसे भी बंद कर देते हैं और चलते हैं फ्राई करने की ओर। यहाँ पर ये अच्छा सा गर्म हो चुका है, लेकिन फ्लेम आपकी मीडियम रहे। और आप जितने इसमें आसानी से फ्राई हो सकते हैं उतने ही डालें। देखिए, ये इस तरह जितने बहुत ज़्यादा पास पास ना डालें तो उनको खुलने के लिए जगह नहीं मिलेगी। थोड़ा ही डालें और उनको हर साइड से ये धीमी आंच पे तलें ताकि अंदर तक पूरा अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। और डीप फ्राई करना, अच्छा डार्क ब्राउन करना है इन्हें। इनको पलट पलट कर सब साइड से अच्छी तरह फ्राई करें। देखिए, इस तरह से डार्क ब्राउन होना चाहिए, रेड एकदम डार्क रेड। फिर हम इसे घी से अलग कर लेंगे। और इसी तरह हम सारे गोलियों को इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। ये हो गए हमारे सारे जामुन रेडी, और अब हम अलग से बाउल में पहले शक्कर का पाक लेंगे, फिर उसमें इसको डुबो देंगे। ये हमने ले लिया है इसमें बाउल में शक्कर का पाक।
और अब इसमें हम इसके जितने पाक इस पाक में जितने आ सकते हैं हम पहले उतने ही इसमें डिप करेंगे। दस मिनट के बाद इसमें दूसरा पाक डालें। ये देखिए इसमें जितना पानी सोक करना था उसने कर लिया है। अब हम जब सर्व करेंगे तो अलग से किसी प्लेट में और इसमें अब ये जो हमने बनाया था दूसरा पाक ये बहुत ठीक है, बहुत गाढ़ा है, ये ऐसा तार टूटने पर है तो ये ऊपर से ये इस तरह डालें। अब आप देखिए अंदर से इसको ये अंदर तक पानी जस्ट भी हो गया है और ऊपर से ये चाशनी भी एकदम गाढ़ी है। तो ये हो गए हमारे गुलाब जामुन तैयार। फ्रेंड्स आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।